गाइस वेलकम बैक टू माय जूही चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस आज है 2 फरवरी और अभी शाम का टाइम हो रहा है और अभी शाम के बजने 6:45, शायद कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा और आप लोग देख रहे होंगे घड़ी के 6:45 बज रहे हैं। और मम्मी गई हुई है सब्जी लाने के लिए क्योंकि आज शनिवार है आज, तो हमारे यहाँ पे शनिवार को जो है मंडी लगती है, मतलब सब्जी की मार्केट, तो वहीं पे मम्मी गई है मेरी सब्जी लाने के लिए और मैं चल रही हूँ खाना बनाने के लिए। और आज मैं ब्लॉग अपनी इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब इवनिंग ही अभी, तो मैंने सोचा कि उन्हें ब्लॉग को स्टार्ट कर लूँ ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ और मेरी हालत को इग्नोर करना क्योंकि जो है शाम का टाइम हो रहा था, आप लोग समझ सकते हो। और वैसे भी ठंडी में कुछ करने का मन नहीं होता, इसीलिए मैं जैसी हूँ वैसी ही आ जाती हूँ। क्या करूँ, अपनी फैमिली है यूट्यूब की, तो मैं जैसी हूँ वैसी आ जाऊँगी और मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं करूँगी। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और मैं चल रही हूँ खाना बनाने के लिए। और आज मैं बनाऊँगी आलू और ब्रोकली की सब्जी। और आज मैं थोड़ी तेज़ बोल रही हूँ क्या? नहीं, तेज नहीं बोल रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है खाना और सर्दियों में मतलब जल्दी खाना बना लूँगी तो ठंड मतलब नहीं लगेगी। और ठंड तो लगती ही है पर मैं जल्दी बना लूँगी, तो उसके बाद जो है खाना वगैरह जो बन जाएगा तो हम खा लेंगे, तो जल्दी सो जाएंगे, मतलब सो नहीं जाएंगे, अपने अपने कम्बल में चले जाएंगे। और मैं यहाँ पर मंदिर वाले रूम में हूँ तो मैंने सोचा मैं खाना बना लेती हूँ पहले। और मैं सोच रही हूँ मैं चूल्हे में खाना बनाऊँ, तो देखती हूँ अगर मैं चूल्हा जला के ले आऊँगी ऊपर से अभी, तो उसको जो है मैं नीचे ले आऊँगी और नीचे ही मैं खाना बनाऊँगी और उसी चूल्हे में बनाऊँगी क्योंकि मम्मी का सुबह मन हो रहा था कि मैं चूल्हे की रोटी खाऊँगी आज, तो मैंने सोचा मैं अभी ये बना लेती हूँ। और तो चलो मैं पहले चूल्हा जला के लाती हूँ, उसके बाद जो है रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सेम रेसिपी है आलू गोभी की, जैसे बनती है वैसे आलू और ब्रोकली की भी बनती है। अगर आपको और तरीके से बनाना हो तो बना सकते हो, बट मेरे तरीके से बनाओगे तो वो भी अच्छी लगती हैं खाने में। सूखी बनाऊंगी मैं क्योंकि मुझे रोटी के साथ खानी है इसीलिए। तो चलो पहले मैं चूल्हा जला के लाती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। और हाँ, आज ना बहुत सॉरी आज सुबह ना मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पर, तो आज बहुत ठंड है और आज तो पूरे दिन धूप नहीं निकली है क्योंकि बारिश हुई थी। तो मैंने क्लिप ली है, आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि यार मतलब ये जनवरी की फर्स्ट बारिश है ये न्यू ईयर की। हाँ, कल न्यू ईयर था तो न्यू ईयर की मतलब 2021 की पहली बारिश है, तो मैंने सोचा मैं शूट करूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सुबह बारिश हुई थी, आज बहुत ठंड है इसीलिए। तो चलो मैं पहले चलते, बहुत बोल लिया है मैंने और मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो ये देखो सुबह की क्लिप है, जो कि सुबह बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी रिकॉर्ड करूं क्योंकि ये नए साल की पहली बारिश है 2021 का, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा शूट करूं, आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बारिश हुई थी ना तो ठंडा मौसम हो गया था बहुत ज़्यादा और ठंड भी बढ़ गई है और 2-3 दिन से लगातार बारिश होती जा रही है। और ये देखो अभी हल्का हल्का मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बाद में तो ज़्यादा होने लगती है, पर मैंने थोड़ी सी शूट किया था क्योंकि मुझे हल्की बारिश में ही मैंने कर लिया था क्योंकि बाद में मैंने किया नहीं था। बाद में बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी और पूरे दिन हुई थी बारिश, तो मैंने सोचा मैं आप लोग को दिखाऊं। और ये देखो पेड़ कैसे गीले हो गए, ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ आग जलाने के लिए और इसमें मैंने बाल्टी में ना कोयला भर लिया है। मैंने आप लोग के साथ ये वाला चूल्हा जो है शेयर किया हुआ था, मैंने दिखाया था आप लोग को कि मैं लेके आई थी इसको, तो यहाँ पे मैंने कोयला भी भर लिया है, कोयला भी लेके आए थे हम लोग। और यहाँ पे जो है नीचे से मैं गत्ता, इसमें मतलब जो होता है ना कार्टून के जो गत्ते वगैरह होते हैं, तो उसी को मैं जला रही हूँ। और जला के इसको नीचे से आग लगाया जाता है तो ये अपने आप ही ऊपर जल जाते हैं, बहुत जल्दी जल जाता है। और यहाँ से मैं थोड़ी सी हवा कर दूँगी ना तो अपने आप ये जल जाएगा, फिर उसको मैं नीचे ले जाऊँगी। तो ये देखो मैं नीचे लेके आ गई हूँ और मैं हल्के मतलब अभी जलना बाकी था उससे पहले ही लेकर आ गई थी क्योंकि अगर हम हो जाता ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है नीचे लाना, तो अभी ये जल जाएगा। और ये रही ब्रोकली, मैं इसी की सब्जी बनाऊंगी। और इस वाली ब्रोकली की ना बहुत अच्छी सब्जी बनती है, इस गोभी की, ग्रीन वाली गोभी की। तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं सारी सब्जियाँ पहले काट लेती हूँ, ब्रोकली या प्याज, मिर्च,
टमाटर वगैरह सब चीज़ यहाँ पे मैं काट लेती हूँ, जब तक मेरे चूल्हे जो हैं देख लो कि हल्के हल्के जो है ना जलने लग गए हैं, और इसी में चौपर में फटाफट से काट लूँगी। और यहाँ पे जो है ना मतलब जो चूल्हा जो देख सकते हो कि आग पकड़ लिया है, और ये जैसे ही हल्का सा मतलब और जल जाएगा ना, अभी तो एक कम जला था, पूरा जल जाएगा ना तो मैं इसके बाद कढ़ाई चढ़ा दूँगी। और मैंने कढ़ाई चढ़ा के देखी थी, बट उसमें ना मतलब काला काला हो जा रहा था धुआँ टाइप से मतलब, इसलिए मैंने चढ़ाई नहीं। मैंने सोचा थोड़ी और देर जल जाने देती हूँ, उसके बाद जो है इस पर मैं चढ़ाऊँगी कढ़ाई। तो ये देखो मैंने यहाँ पे जो है कढ़ाई चढ़ा दी है, और कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, और चूल्हे देखो कितने अच्छे तरीके से जल गए हैं। और मैंने गैस फैन चला दिया है ताकि जो भी हल्का फुल्का धुआँ वगैरह हो ना तो ऊपर से वो निकल जाए, मैं ही साइड से ही हूँ। और मैंने गेट पर ही रखा है, वह पूरे किचन में लेके नहीं आई थी क्योंकि इधर सिलेंडर भी रखा होता है, थोड़ा सा डर भी लगता है, तो मैंने गेट के पास ही रख लिया था। और वहाँ पर जो मैंने कढ़ाई गर्म हुई, इसमें मैंने तेल डाल दिया है मैंने। और उसके बाद जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़ी सी जीरा ऐड कर दूँगी, और जीरा और हींग ऐड करूँगी मैं। तो पहले ये तेल गर्म हो जाने दो, और उसके बाद जब तक मैं यहाँ पे जो है आलू गोभी सब्जी मैंने सारी सब्जियाँ को कट करके तैयार कर लिया है। तो चलो पहले मैंने एक चम्मच यहाँ पर डाल दिया है जीरा, और उसके बाद थोड़ी सी मैं इसमें हींग डालूँगी। हींग जैसे ही दोनों क्रैक हो जाएंगे, हींग और जीरा जैसे ही हल्के से ब्राउनी से हो जाएंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे जो है मैंने प्याज और मिर्च कट किए हुए हैं तो मैं इसको डाल दूँगी इसी में। और इस पर खाना बनाने में मुझे काफ़ी मज़ा भी आ रहा था और जल्दी से बन भी गया था, क्योंकि चूल्हे में खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, और गाँव में इतना मज़ा नहीं आता है, बट यहाँ पे जब रहो ना तो दिल्ली में मतलब शहर में रहो तो, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ बट यहाँ पर बहुत मज़ा आता है मुझे, गाँव में इतना मज़ा नहीं आता क्योंकि गाँव में तो ऑलरेडी सब कोई चूल्हे पर ही बनाते हैं, और आजकल तो सब कोई गैस पर भी बनाने लग गए हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आ रहा था बनाने में, और जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पे अपना सारा काम जो है साइड से जितना भी काम होता है वो भी मैं करती जा रही थी। और यहाँ पे प्याज और मिर्च को हमें चला लेना है, और मम्मी तो गई है सब्जी लाने के लिए। और यहाँ पे देखो मैंने इसमें डाल दिया है ब्रोकली, और इसे हमें हल्का सा फ्राई होने देना है ब्रोकली को डाल के, खाली मतलब हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, मतलब ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद जैसे ये दोनों जो है मतलब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएंगे, प्याज भी और ये भी गोभी भी ब्रोकली, तो इसमें हम आलू ऐड करेंगे, और उसके बाद जो है आगे की प्रोसेस भी हम कंटिन्यू करेंगे मतलब स्टार्ट रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये दोनों हल्के से ब्राउन हो गए, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मतलब भून लिया था, और दोनों प्याज और ये देखो मेरी ब्रोकली जो हल्की हल्की मतलब ब्राउन हो गए थे, उसमें मैंने डाल दिया है आलू। और आलू डाल के हमें इसको चला लेना, और चला के थोड़ी देर के लिए हमें 2 से 3 मिनट तक ढक के रख देना है। फिर उसके बाद जो हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, तो 2-3 मिनट के बाद इसे हम ढक्कन को हटा के इसमें जो है सारे मसाले वगैरह जो है उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ टमाटर, जो टमाटर मैंने चॉप किए हुए थे, और टमाटर डालने के बाद जो इसमें हम सारे मसाले को भी ऐड करेंगे साथ ही साथ, क्योंकि सारे मसाले भी पकते जाएंगे क्योंकि मैं इसको सूखी सब्जी बनाऊँगी इसीलिए। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, गर्म मसाला, धनिया पाउडर, और नमक भी मैंने साथ ही साथ डाल दिया है, क्योंकि नमक डालने से हमारी सब्ज़ी ना बहुत जल्दी गल जाती है और बन भी जाती हैं। और इसमें मैं थोड़ी सी पानी डालूँगी क्योंकि सारे मसाले जो हैं मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद हमें इसको अच्छी तरीके से चला लेना है, और हमारे सारे मसाले इसको हमें भूनना है ढक्कन को बंद करके, और भून के ही पकाना है हमें इसमें, और पानी और ऐड नहीं करना है, इसी तरीके से हमें पकाते चलना है। और मेरी सब्जियां जब तक बन रही हैं, तो मम्मी यहाँ पे आ गई थी तो मैं चली गई थी सब्जी लेने के लिए, गेट खोला था मैंने, गेट खोल के मैं सब्ज़ी लेके आ गई। तो मैंने सोचा मैं जब तक ये सब्ज़ी मेरी बन रही तो मैं इस सब्ज़ी को भी धो लूँ जो कि मम्मी मार्केट से लेके आई थी। तो यहाँ पर टोकरी जो खाली, इसी टोकरी में मैं सारी सब्जियां निकाल लूँगी, तो यही सब सब्जी लेके आई थी, और निकालने के बाद इसको जो है धो लेंगे। तो चलो पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ फटाफट से, और इसके बाद जो है मैं धो दूँगी।
तो यहाँ पे मेरी सारी सब्जियाँ भी धुल गई हैं और मैंने टोकरी में डाल दिया है, मतलब पानी इसका निकल जाएगा। फिर उसके बाद हम इसे कपड़े पे सुखाने के लिए रख देंगे। और ये देखो हमारी सब्जी भी बन के रेडी हो गई है और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ी सी धनिया पत्ती लास्ट में। और इसी तरीके से हमें सूखी सब्जी बनाई थी मैंने। और उसके बाद मैं यहाँ पर बनाने लग गई थी रोटी, क्योंकि मम्मी को रोटी चूल्हे की रोटी बहुत पसंद है। तो मम्मी कह रही थी, मैंने बोला कि मैं बना देती हूँ खा लो। और ये देखो अगर आपको बैकग्राउंड पता चल रहा हो तो मैं जिस टाइम एडिटिंग कर रही उस टाइम बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं, बारिश अभी भी हो रही है। और यहाँ पे गरम गरम रोटियाँ बनाती जाऊँगी, फिर मम्मी को मैं खाने के लिए दे दूँगी। मैंने बोला मम्मी से कि चूल्हे की रोटी खानी है कि गैस की खानी है, तो मम्मी कह रही नहीं नहीं मैं तो चूल्हे की रोटी खाऊँगी। मैंने बोला कि मम्मी कह रही थी कि अभी खाने का मन नहीं, बाद में खाऊँगी। तो मैंने बोला अगर बाद में खाऊँगी तो ये आँच मतलब ठंडा हो जाएगा, फिर कहाँ से खाओगी, फिर गैस में खाओगी। नहीं नहीं दे दे फिर मैं अभी खा लेती हूँ। तो बहुत हंसी से भी आई, बहुत फ़नी मोमेंट था, क्योंकि चूल्हे की रोटी खाने के लिए मम्मी को पेट भरे में भी कह रही थी कि लाओ मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है गरम गरम मैं रोटियाँ बनाती जा रही हूँ और फिर उसके बाद जो है मम्मी को मैं दे दूँगी और मैं बाद में खाऊँगी, क्योंकि अगर मैं खाने के लिए बैठ जाऊँगी तो फिर सारा आँच जो है बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो पहले मैं मम्मी को दे देती हूँ, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मैं यहीं पर बैठ के मैं खाऊँगी, क्योंकि आग भी सेकती जाऊँगी और मैं यहाँ पर खाना भी खाती जाऊँगी। और बस यही था। और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे मतलब काम करोगे, चूल्हे में रोटी बनाओ, नीचे बैठ के बनाओ, तो बहुत अच्छा भी लगता है। कभी कभी इंजॉय भी करना चाहिए। और मौसम भी ऐसा था ना, मतलब बारिश बारिश सी, तो अच्छा लग रहा था बनाने में चूल्हे पे। तो चलो बस यही था। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं रोटी बना लेती हूँ फटाफट से। और मैंने थोड़ी सी ना मोटी मोटी रोटी बनाई हुई है, क्योंकि चूल्हे की रोटी ना मोटी मोटी ही अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे जो है मम्मी को चला मैं खाना दे देती हूँ और मैंने थाली में निकाल दिया उनके लिए रोटी सब्जी। और तो ये देखो मम्मी का ये खाना लग गया है आज का, तो मम्मी को दे देती हूँ मैं। सो गाइस गुड आफ्टरनून, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। और क्योंकि कल मैंने जो आप लोग के साथ खाना बनाया रेसिपी आप लोग के साथ मैंने शेयर की, उसके बाद तो मैं आप लोग से बात कर ही नहीं पाई। और उसके बाद तो मतलब रात भी हो गई थी इसलिए नहीं करा था, और ब्लॉग का एंड भी नहीं करा था, तो मैंने सोचा मैं अभी कर लेती हूँ। और दोपहर के 2 बज रहे हैं और ऊपर आई हूँ मैं। और पता है आज ना मतलब आज कल तो बारिश हुई हुई थी और आज भी हुई, आज तो पूरे दिन बारिश हुई है, मतलब सुबह से लेके मतलब अभी 2 बज रहे हैं अभी तक बारिश हो रही, कभी रुक जा रही, कभी धूप, कभी ऐसे बादल, और बहुत ठंडा मौसम है और मतलब धूप तो निकलने का नाम ही नहीं है। और मेरे पता है अभी 4 दिन से मेरे कपड़े नहीं सूखे, क्योंकि 4 दिन से ना धूप ही नहीं निकल रही। मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ कि बाहर तो जगह है नहीं कपड़े डालने के, लेकिन आप देख सकते हो कि इधर भी कपड़े हैं और इधर भी कपड़े हैं। ये पूरे में देख रही हूँ, ये आप लोग देखो, ये पूरे मैंने कपड़े ही कपड़े डाल रखे हैं और ये 4 दिन के कपड़े हैं, अभी तक ये कपड़े सूखे नहीं। आप सोच सकते हो कि 4 दिन से धूप नहीं निकली और इतनी ठंडी है ना कि उस पूछने की बात ही नहीं कि कितनी ठंडी है, तो कपड़े भी नहीं सूख रहे, क्या करें। तो इसके इसलिए जो खाटे ना बड़े काम की चीज़ है कि इस पर ना कपड़े डालने के लिए काम आ जाती है। वैसे तो रस्सी बांधने की जगह नहीं है, और आप देखो मैंने रस्सी कहाँ बांधी हुई है और किस में बांधी हुई है, यहाँ से लगा के मैंने खिड़की में रस्सी बांधी हुई है, ये देख रहे हो, देख लो। तो बस यही था। और अब मैं भी आप लोग को बाहर का मौसम भी दिखाऊंगी कि कितना बुरा हो रखा है, बहुत मतलब कोल्ड है और धुंधला धुंधला सा है, कुछ भी नहीं दिखाई देता जल्दी से, तो दिखाई देता है बट धूप नहीं है तो उतना साफ से दिख नहीं पाता है। तो चलो मैं आप लोग को अभी पीछे से दिखाती हूँ कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोग से बात कर लूँ और ब्लॉग का एंड भी कर दूँ। और आजकल आप लोग ना मेरा ब्लॉग देखते भी नहीं हो, पता नहीं क्यों फुल वॉच भी नहीं करते हो। आप लोग अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्या ऐसा दिखाऊँ मैं घर बैठे आप लोग को, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा नीचे, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलो मैं आप लोग से मैंने बहुत बात कर ली और मेरी वीडियो पर इस वीडियो को शुरू से लेकर प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखा करो सारी वीडियोज़ को। तो चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ पीछे से। तो ये देखो कितने सारे कपड़े सूख रहे हैं। तो चलो इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ, और बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।